contact? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कुछ देर और मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं, कुछ बहनें और आ जाती हैं तो ठीक है, वरना फिर इस सबक को कोशिश करेंगे कल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बात चल रही थी ख्वाब की ताबीर के हवाले से, तो मैंने अर्ज़ किया था कि ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में हिदायत ये हैं कि या तो किसी ताबीर के माहिर से ज़िक्र किया जाए ख्वाब, या किसी खैरख्वाह से ख्वाब का तज़किरा किया जाए। उसके अलावा किसी से ख्वाब का तज़किरा इब्तदाअन न किया जाए। हाँ, ताबीर मालूम हो जाने के बाद अगर मुनासिब समझें तो जिससे तज़किरा करना चाहें कर सकते हैं। ताबीर के बारे में, ख्वाब के बारे में हमारे जो मुहक्किकीन हजरात हैं उन्होंने एक बहुत खूबसूरत खुलासा बतलाया है। हज़रत इमाम इबन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ताबीर रुबिया का इमाम कहा जाता है, ख्वाब के ताबीर के माहिर, हज़रत फरमाते हैं, ख्वाब की हकीकत बतलाते हुए फरमाते हैं कि ख्वाब तुम्हें खुश तो कर दे लेकिन धोखे में ना डाले। आम तौर पर होता यह है कि ख्वाब की बदौलत इंसान अपने आप को बड़ा समझने लगता है, अपनी खूबी या अपनी बड़ाई उसके जहन में आती है। तो इसलिए इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब की हकीकत सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हें खुश कर दे लेकिन धोखे में ना डाले। हमारे करीब के हमारे अकाबिर में से हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहिमहुल्लाह, हज़रत का एक मिजाज था ख्वाब के हवाले से। अगर कोई हज़रत के पास आके ख्वाब बयान करता तो हज़रत फरमाते थे कि भाई दिन की बात लाएं, बेदारी की बात लाएं। ख्वाब के बारे में हज़रत फरमाते थे कि नशबम नशब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, फरमाते कि ना मैं रात हूँ न रात का इबादत पुजारी हूँ कि रात की बात करूँ। जी फरमाते थे कि भाई मेरे सामने दिन की बात लाएं, यानी मतलब इधर देखिए, खुलासा तवज्जो कीजिएगा, बात यह है कि हमारी जजा और सजा का दारोमदार हमारे इख्तियारी आमाल पर है, और ख्वाब के अच्छे आने और बुरे आने का इख्तियार बंदे के पास नहीं है। इसलिए फरमाते थे कि भाई ख्वाब न सुनाएं बल्कि बेदारी के आमाल सुनाएं, यानी कि बेदारी में अगर कोई बंदा दीन पर चल रहा है, सिरात मुस्तकीम पर चल रहा है, तो यकीनन वो शख्स खुशकिस्मत है। इसके अलावा अगर कोई शख्स ख्वाब में तो अच्छे अच्छे आमाल कर रहा है, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस पर हाजिरी दे रहा है, लेकिन उसके बेदारी के आमाल शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, तो ये शख्स कामयाब नहीं है, ये शख्स खुशकिस्मत नहीं है,
उसकी वजह यह है कि ख्वाब में कितना ही बंदा जन्नत को देख ले, उसकी तरक्की नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता बेदारी में अगर कोई कुछ अमल करेगा तो उसकी तरक्की जरूर होगी। मसलन एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहि सलातु वसलाम का गुजर हो रहा था, तो एक देहाती ने हजरत सुलेमान अलैहि सलातु वसलाम को के तख्त को उठते हुए तख्त को देखकर कहा, सुबहान अल्लाह, मादा उतिया आलू दाऊद, के अल्लाह ताला कितने बुलंद हैं कि आले दाऊद को क्या कुछ दे दिया। तो हजरत सुलेमान अलैहि सलातु वसलाम तक हवा ने वो बात पहुंचाई। हजरत सुलेमान अलैहि सलातु वसलाम उस देहाती के पास लेके गए अपने तख्त को और पूछा कि भाई तुमने क्या कहा था। तो हजरत वो चूंकि सुलेमान अलैहि सलातु वसलाम उस वक्त के हुक्मरान भी थे, बादशाह भी थे, और अब वो देहाती डर गया कि कहीं मैंने कोई बेअदबी तो नहीं कर दी। फरमाया कि नहीं भाई, जो अल्फाज कहते वो बोलो। तो उसने कहा कि हजरत मैंने तो सिर्फ ये अल्फाज बोले थे, सुभान अल्लाह। तो हजरत फरमाने लगे सुलेमान अलैहि सलातु वसलाम, लतस्बीहतुन वाहिदतुन तकबलहु अल्लाह तआला खैरुम मा दउतिया आले दाऊद, तुम्हारा एक मरतबा सुभान अल्लाह कहना जिसको अल्लाह कबूल कर ले, आले दाऊद को जितना कुछ सल्तनत दी गई उससे बेहतर। तो इस नुक्ते को समझना है। और इसमें मैं आपसे अर्ज करूं कि तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं। बाज़े तबीयतों को अल्लाह ताला, जैसे मैं आपसे एक मिसाल अर्ज करता हूँ कि अल्लाह ताला की तकसीम है कि किसी को अल्लाह ताला ने एक एक लुक्मे का भी हासिल करने के लिए भी उसको मोहताज बना दिया कि वो एक लुक्मा नहीं हासिल कर सक रहा बावजूद कोशिश के। और किसी को अल्लाह पाक ने इतना कुछ दे दिया कि उसके पास गिनने के लिए वक्त नहीं है अपनी मालो दौलत को। ये इतनी बड़ी तकसीम, इतनी बड़ी तफरीक कि एक के पास लुकमा खाने के लिए कुछ नहीं है और एक के पास अपनी मालो दौलत को शुमार करने के लिए वक्त नहीं है। तो फरमाते हैं कि ये अल्लाह की तकसीम में और बहुत सारी हिकमतें होंगी, लेकिन एक हिकमत ये है कि अल्लाह ताला ने तबीयतें मुख्तलिफ बनाई हैं। बाजों को अगर मालो दौलत दे दिया जाए तो वो दीन पर ना चल सके, गुमराही में चला जाए, और बाजों की तबीयत ऐसी बनाई है कि अगर उनको अल्लाह ताला मालो दौलत ना दे तो वो हिदायत पर ना रह सके। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने ख्वाब के हवाले से भी तबीयतों को मुख्तलिफ बनाया है। बाज़े तबीयत ऐसी हैं कि उनके अच्छे ख्वाब उनको नेक अमल पर लेकर चल रहे होते हैं, उनमें बड़ाई नहीं आती, वो अपने अमाल को देखते हुए ख्वाब की हकीकत को समझते हुए चल रहे होते हैं। और बाज़े तबीयत ऐसी हैं कि अगर ख्वाब उनको अच्छे दिखला दिए जाए तो वो जो अच्छे अमाल कर रहे होते हैं उनसे फिसल जाने का अंदेशा होता है। इसलिए अल्लाह ताला अगर किसी को ख्वाब जो है ना नहीं आते अच्छे तो वो परेशान ना हो, और अगर ख्वाब अच्छे आते हैं तो वो घूमंड ना करे। इस सिलसिले में एक वाकया याद आया हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत फरमाते, हजरत के पास एक साहिब, हमारे असाज़ा ने सुनाया जी, हजरत के पास एक साहिब आए और 10 साल तक हजरत की खिदमत में रहे। कितने साल जी? 10 साल हजरत की खिदमत में रहे। अच्छा, तो 10 साल के बाद जाने लगे। हजरत ने पूछा कि भाई क्यों जा रहे हो? तवज्जो से सुनिएगा बात, बड़ी खूबसूरत बात। फरमाने लगे
उसने अर्ज किया कि हजरत मैं जिस मकसद के लिए आया था वो मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। हजरत ने पूछा भाई तुम्हारे आने का क्या मकसद था? तो वर्स करने लगा कि हजरत मैं तो ये समझ कर आया था कि आप बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, ठीक है, तो आपकी कोई करामतें होंगी, कोई अजीब गरीब बातें होंगी, लेकिन यहां आके देखा तो 10 साल के अंदर अंदर कुछ भी नहीं देखा मैंने। तो हजरत ने उनसे सवाल पूछा कि भाई बतलाओ कि क्या इस 10 साल के अरसे में तुमने मेरा कोई अमल शरीयत के खिलाफ देखा? तो वार्थ करने लगे कि हजरत ऐसा तो नहीं देखा। तो हजरत ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, फरमाने लगे कि सुन्नत पर इस्तिकामत, शरीयत पर इस्तिकामत 1000 करामतों से बढ़कर। हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इसलिए इस बात को ख्वाब के बारे में आप जहन में रखिएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। हम आगे चलते हैं जी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब अपने वालिद के सामने जिक्र फरमाया तो वालिद साहब ने क्या नसीहत की? या बुनिय्या ला तक्सुस रुयाका अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन। जी तो नसीहत की, अब ये नसीहत शफकत पर मबनी थी। ए मेरे प्यारे बेटे, ये अपने भाइयों को ना बतलाना। क्यों? फयकीदू लका कैदा, वो तुझसे मकर करेंगे यानी तेरे खिलाफ तुझे हलाक करने की तदबीरें करेंगे। अब ये जो इरशाद फरमाया है इस पर भी एक मसला इससे यह मालूम होता है कि ख्वाब, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हर शख्स के सामने बयान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान भाई के शर से बचाने के लिए अगर किसी दूसरे मुसलमान की उसके सामने ऐब बयान किया जाए तो ये गीबत में दाखिल नहीं। बात समझ में आ गई जी। तीसरी चीज जो अहम है वो भी तवज्जो कीजिएगा, वो ये है कि भाई ऐसे शख्स के सामने अपनी नेमत, अपने ऊपर इनाम का जिक्र ना करे कि जिसके मुतालिक ये एहतमाल हो कि वो हमारी खुशहाली और नेमत का जिक्र सुनेगा तो हसद में मुब्तला हो जाएगा। और ये रिवायत मुतअद्दिद मुफस्सिरीन ने जिक्र की है जी, कि अपने मकासिद को कामयाब बनाने के लिए उनको राज में रखने से मदद हासिल करो। क्यों? इसलिए कि दुनिया में हर साहिब नेमत से हसद किया जाता है। यानी मतलब यह है कि जो अल्लाह ने दी नेमत दी है उसका तज़किरा लोगों के सामने करता ना फिरे, इसलिए कि जिस जो नियमत जिसको भी मिलती मिलती है उससे हसद किया जाता है। इसलिए हासिद के शर से बचने के लिए जरूरी है कि अपने ऊपर जो नियमत आने वाली है उसको राज में रखे, ज्यादा तज़किरा ना करता फिर। हाँ अलबत्ता कोई पूछता है या कोई खैरख्वाह है उसके सामने जिक्र कर देने में कोई हर्ज नहीं। और मैं आपसे ऐसा करूं, इससे एक और फायदा मालूम होता है, वो ये है जिसकी वजह से आज हमारे खानदानों में फसाद है, वो है कि हर एक दूसरे से हसद में मुब्तला है। जाहिर सी बात है किसी न किसी दर्जे में किसी दूसरे की तरक्की का पता चलता रहता है,
और खानदान, बहन भाई, चचा ताए, अजीज व अकारब इस मर्ज में अमूमी तौर पर मुब्तला हैं कि दूसरे के पास कोई नेमत देख ली तो उससे हसद में मुब्तला हो गई, कोशिश हुई कि किसी न किसी तरीके से उससे वो नेमत छिन जाए। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि कम अज कम हम उन लोगों में शामिल ना हों जो दूसरों से हसद करने वाले हों, इसलिए कि हासिद को मिलता कुछ नहीं है। अच्छा, अगली बात तवज्जो कीजिएगा। अगली बात यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, इससे मालूम हुआ कि वो पैगंबर नहीं थे, इसलिए कि पैगंबर से कबीरा गुनाह का सुदूर नामुमकिन है। وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد محترم تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بیٹے کا خواب سن کر بتلایا، اتنی کم عمری میں اتنا عظیم خواب دیکھا، تو باپ چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے جی، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر نیک بندے کو وہ فراست عطا فرماتے ہیں جس کی بدولت وہ بہت سے موقعوں پر اپنی فراست سے کام لے کر مخاطب کی حالت کے موافق جواب دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فراست عطا فرمائی تھی، تو صرف خواب کی تعبیر نہیں بتلائی بلکہ مزید خوشخبری سنائی، اے بیٹے یجتبی کا رب کا، آپ کا رب آپ کو چنے گا، یعنی آپ پر اور انعامات فرمائے گا۔ یعنی صرف یہ نہیں ہوگا کہ اس خواب کی تعبیر کہ بھائی 11 بھائی اور ماں باپ سجدہ کریں گے، بلکہ اس کے اوپر مزید انعامات اللہ تجھے دے گا، اور وہ مستقبل میں آنے والے انعامات تھے۔ اب ادھر دیکھیے، توجہ کیجئے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی تعبیر جب بتلائی، یعنی واضح تھی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس تعبیر کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا، تو معلوم ہوا کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر فی الفور واقع ہو، پیغمبر کی خواب کی تعبیر میں 40 سال لگ گئے۔ وہی والی مکمل تعبیر احادیثی، اللہ تعالیٰ مزید ایک اور انعام کرے گا جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا، کہ خواب کی تعبیر کا علم۔ تو خواب تعبیر خواب بھی ایک علم ہے، بعضوں کو اللہ تعالیٰ وہبی طور پر عطا کرتے ہیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو آپ پر پوری فرما دیں گے، یعنی اتمام نعمت کیا ہے؟ اتمام نعمت کہ جس سے نعمتوں کی تکمیل ہو جائے، اور وہ اتمام نعمت عطا نبوت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو اس بات کی بشارت دی کہ بیٹا اللہ پاک تجھے نبوت سے سرفراز کریں گے۔ تو کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں پر اتاری ہے تو وہ نبوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا، خاتم الانبیاء، نبیوں کا سردار۔ تو بہرحال جی، کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اتمام نعمت کیا تیرے ابا و اجداد میں ابراہیم اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اچھا، ادھر دیکھیے، یاد رکھیے گا، توجہ ہے نا جی سب کی، جی بتلائیے، توجہ ہے جی، یا اللہ تیرا شکر ہے جی۔ یجتبی کا رب کا ویتم نعمت ہو علی کا، ادھر سے یاد رکھیے گا کہ نبوت وہ مقام نہیں ہے
जो मेहनत से हासिल किया जाए। नबुवत का मर्तबा महज अल्लाह पाक की आता है। अल्लाह किसी को नबी बनाना चाहे तो नबी बन सकते, किसी के मेहनत करने से कोई नबी नहीं बन सकता। चुनाचे इसी से जो मौजूदा इस जमाने का, जो इस सदी का, गुज़िश्ता सदी का जो फितना मिर्जाई कादियानी की सूरत में हुआ, उसके दावा क्या था कि मैंने इतनी इबादत की है कि मुझे नबुवत मिल गई। मैं जिल्ली बुरूजी पता नहीं किस किस किस्म की उन्होंने नबुवत की किस्में निकाली। तो याद रखिएगा, इस आयत से भी और कुरान पाक के मुतअद्दद आयात से भी ये साबित होता है कि नबुवत वो मनसब है जो अल्लाह ताला ही किसी को अता करता है। बंदा अपनी मेहनत से नबी नहीं बन सकता। हाँ, उससे निचले दर्जे जो हैं, विलायत है, शहादत है, सालेह बनना है, सिद्दीक बनना है, ये मेहनत से मिल सकते हैं। लेकिन इससे अगला दर्जा नबुवत वो मेहनत से नहीं मिल सकता। वो महज अल्लाह पाक के आता है जिनको अल्लाह ने चाहा नबुवत अता कर दी। और चूंकि हुजूर अली सलाम ने वादे तौर पर इरशाद फरमा दिया, अना खातमुन नबीयीना ला नबिया बादी, कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हुजूर अली सलाम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल से समझाया कि मेरी और गुज़िश्ता अंबिया की मिसाल ऐसे है कि जैसे किसी बंदे ने बहुत बड़ा कोई महल बनाया हो, इतना खूबसूरत महल बनाया हो कि लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से आते हों, मफहूम हदीस का ये, लेकिन उसमें एक ईंट की जगह छोड़ दी हो। अब लोग आते हों और दूर दूर से आकर लोग देखते हों, लेकिन चूंकि उसमें एक ईंट की जगह खाली, तो लोग देखकर कहते हों कि काश के ये एक ईंट की जगह भी पूरी हो जाती तो ये महल पूरा खूबसूरत हो जाता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं वो आखिरी ईंट हूं। हिस्सी मिसाल से समझाए। अब इससे आम से आम बंदा भी समझ लेता है, जब उस महल की आखिरी ईंट भी रख दी गई तो अब उसमें से ना कोई ईंट निकाली जा सकती है ना उसमें लगाई जा सकती है। अगर निकाली जाएगी तब भी महल की जो जीनत है वो खराब होगी, और अगर अगर लगाई जाएगी तब भी जीनत खराब होगी। तो हुजूर अली सलाम आखिरी नबी हैं। हुजूर अली सलाम के बाद अब किसी को नबुवत नहीं मिल सकती। इसलिए मैंने अर्ज किया कि इससे खूबसूरत बात आप समझ लीजिए कि नबुवत मेहनत से हासिल नहीं हो सकती। वो मुकाम है जो मेहनत से हासिल नहीं हो सकता। हाँ, उससे निचले जितने भी मुकाम हैं उनमें इंसान मेहनत करे तो किसी दर्जे में उसको मेहनत वो मिल सकता है, लेकिन नबुवत मेहनत से नहीं मिल। लकद का नफी यूसुफ व इख्वती आयतुल लिसाइलीन, अलबत्त तहकीक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में और उनके भाइयों में, आयतुल लिसाइलीन जी फरमाते हैं कि दलाइल मौजूद हैं पूछने वालों के लिए। अब इसमें पूछने वाले कौन थे? आमतौर पर अहले मक्का थे, यहूदी थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उनके लिए इसमें निशानियां हैं। क्या क्या निशानियां हैं? एक तो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नबुवत और हुजूर अलैहिस्सलाम का सच्चा नबी होना, क्योंकि जब उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको वाकया सुनाया तो उनकी किताबों में भी मौजूद था, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की कि वाकईतन वाकया तो इसी तरह था। बात समझ में आ गई जी? इसी तरह बाकी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तफसीली वाकया है वो साथ साथ आता रहेगा। तो बहरहाल ये अहम जो है उनके लिए है कि भाई देखो कि इसके बावजूद अगर कोई ना माने तो ये ऐसे ही है। इधर देखिए, तवज्जो कीजिएगा कि जैसे सूरज की रोशनी निकली हुई है, कोई बंदा आंखें बंद करके कहता है कि रोशनी नजर नहीं आ रही, तो भाई अब उसकी आंखों का कसूर है, सूरज का कसूर नहीं। इसलिए अपनी आंखों के इलाज करवाए। इसलिए अगर हुजूर अलैहिस्सलाम पर इतनी बड़ी मौजज़ात के जाहिर होने के बावजूद भी अगर कोई बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम को की नबुवत पर ईमान नहीं लाता, कबूल नहीं करता, तो अब ये उसका अपना कसूर है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान नबुवत में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आ सकती। अल्लाह ताला हमें
قرآن پاک سے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.